जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का जो वीडियो स्पेशली, ये बहुत ही खास वीडियो उन लोगों के लिए जो कुछ एग्ज़ाम में फेल हो गए हैं या किसी कारणवश जो सेना की तैयारी करें, चाहे आर्मी की तैयारी करें, चाहे SSGD की, चाहे RPF की या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर की तैयारी कर रहे हैं और गरीब परिस्थितियों से बिलोंग करते हैं, जिनकी घर की स्थितियाँ ज़्यादा मजबूत नहीं है, उन लोगों के लिए वीडियो। एक चीज़ मैं बता दूँ दोस्तों कि ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि मैं अब तैयारी नहीं करूँगा, अगर एक पेपर में रह गया तो आज के बाद मैं तैयारी नहीं करूँगा, बुक को फेंक देते हैं या बुक अब तैयारी नहीं करूँगा, या अगर कहीं सेना भर्ती रैली में रह गया तो बोलेगा आज के बाद मैं जाऊँगा ही नहीं, क्योंकि दिल टूट जाता है इंसान का। बहुत उम्मीद करता है, एक साल तैयारी करता है, दो साल तैयारी करता है और फिर जब उसमें नहीं आता है तो दिल टूट जाता है। ये एक बेसिक सी बात है और बुरा भी लगता है और लगना भी चाहिए, क्योंकि अगर इंसान नेचर ऐसा कि बुरा लगना ही चाहिए, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ आपको चाहिए और नहीं मिल रही है तो बुरा लगेगा। लेकिन एक चीज़ बता दूँ दोस्तों कि चाहे आप कोई सी भी स्थिति में हो, कोई सी भी स्थिति में हो, आपको उससे निकलने के लिए एक पढ़ाई मात्र ऐसा जरिया है जिस आपकी परिस्थिति बदल सकती है, आपके परिवार की स्थिति बदल सकती है। ठीक है, बिना पढ़ के आप क्या कर लोगे? अगर आप बुक को साइड में कर दोगे कि आज के बाद मैं नहीं पढ़ूंगा। एक चीज़ और यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि परिस्थितियाँ कभी भी अनुकूल नहीं होती है इंसान के, ठीक है, हमेशा प्रतिकूल होती है, कभी भी अनुकूल नहीं होती। कोई भी इंसान आपको, मेरे को देख के लगेगा कि मेरे लिए परिस्थितियाँ अनुकूल है, किसी के नहीं। एक छोटा सा उदाहरण दे दूँ आपको यहीं पे, अभी जैसे अभी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए, तो वीडियो बना रहा हूँ तो इसके लिए भी मेरे लिए परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है। ठीक है, ना तो अच्छी जगह है, ठीक है, यहाँ पर इतना वायलेंस है, यहाँ पर पास में कुत्ते भौंकते रहते हैं, आपने कई मेरे वीडियो में देखे होंगे, भौं 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 वो भौंकते रहते हैं, यहाँ पे 20-30 डॉग स्क्वाड है वो भौंकता रहता है, कभी कोई इधर कोई ना कोई आता जाता रहता है, हर 10 मिनट, हर 5 मिनट में मेरे को वीडियो पॉज करके रोकना पड़ता है, क्योंकि कोई ना कोई आ जाता है, कोई मेरा मिलने वाला आ जाता है या कोई ऐसे बात कर लेता है, क्योंकि ये नॉर्मल सा वे है। आगे कुत्ते भौंक रहे हैं, आपने कई वीडियो में देखा होगा मेरे कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो ये परिस्थितियाँ मेरे को कोई अनुकूल थोड़ी ना है। मैं खुद भी, मेरे पहले भी बनाया था कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से 2 किलोमीटर दूर है जहाँ पे मैं वीडियो बना रहा हूँ, उधर तो बनाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि इतना ज़्यादा आवाज़ रहती है, इतनी ज़्यादा मतलब साइलेंस नहीं है कि वीडियो बना पाऊँ, तो इसलिए 2 किलोमीटर चल के इधर आता हूँ फिर वीडियो बनाता हूँ, तो फिर इतनी दूर चल के आया हूँ तो ये कोई एक वीडियो बनाने के लिए तो अनुकूल वाली बात हो रही है। अनुकूल तो वो ही ना, एक रूम में बैठ जाऊँ, मैं भी अच्छे से वीडियो बनाऊँ, अच्छे से ड्रेस रेस पहनूँ, अच्छे से सेटअप वेटअप करूँ, ग्रीन स्क्रीन लगा के पिक्चर ऐसा गजब से वीडियो बनाऊँ, तो वो अनुकूल, ये अनुकूल थोड़ा ना, इसके लिए मेरे को कितनी तकलीफ हो रही है। तो परिस्थितियाँ कभी भी आपके अनुकूल नहीं होगी। अब या तो मैं ये सोच लूँ कि चलो ठीक है, जब मेरी परिस्थिति अनुकूल होगी यानी मैं छुट्टी में रहूँगा तो घर पर ये सब मेरे को सुविधाएँ मिलेगी तो तब मैं वीडियो बनाऊँगा, तो क्या ऐसा कर पाना मेरे लिए उचित होगा? आप खुद बताइए, मैं तब बनाऊँगा तब घर पर कितने दिन रहूँगा मैं? पूरी साल में 90 दिन मुश्किल से, उसमें भी कुछ ना घर के काम होते हैं इसीलिए तो छुट्टी जाते हैं, तो 45 दिन वीडियो बनाऊँगा साल में तो क्या कर लेगा, क्या कर लूँगा मैं? आप लोग ही नहीं जुड़ोगे मेरे से। तो परिस्थितियाँ कभी इंसान के अनुकूल नहीं होती हैं, ये केवल बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हार मान जाना बहुत आसान होता है ज़िंदगी में। ठीक है, आप किसी एग्ज़ाम में रह गए, इसको एक्सेप्ट करो कि चलो ठीक है मैं रह गया, अब अगले एग्ज़ाम की मैं तैयारी करूँगा। ठीक है, तो हार मान जाना आसान है। आप किसी आर्मी की दौड़ में रह गए या किसी कारण मेडिकल में रह गए, फाइनल मेड में, कोई बात नहीं, रह गए फिर से तैयारी करो और अच्छे से तैयारी करो और ज़ोरदार तैयारी करो, ताकि अगली बार आपका नंबर पक्का हो जाए, आपको कोई निकालने वाला ना बचे। तो इसलिए इतना ज़ोर शोर से तैयारी करो, इतना मतलब आपके अंदर मतलब कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतनी आप में लगन होनी चाहिए। परिस्थिति आपकी गरीब स्थिति को नहीं देखना कि यार मेरे परिवार में तो कुछ नहीं है, मेरे परिवार के पास में कुछ नहीं है, मैं कमाऊँगा नहीं, तो अरे कमा के भी पढ़ सकते हो कुछ ना कुछ करके। अगर आप 2 घंटे 10 गांव के बच्चों को पढ़ाओगे 2 घंटा, तो आपके अगर एक बच्चे का 300 रुपये भी तो है तो 10 बच्चों के 3000 रुपये आ गए, इससे आपका नॉर्मल घर खर्चा भी चल सकता है और आप अपनी पढ़ाई भी कर सकते हो। लेकिन खुद में जुनून होना चाहिए पढ़ने का, हार मानने का नहीं। हार मानने के बहुत आसान तरीके हैं, हार कोई भी मान जाएगा। तो केवल ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जिनको ये ख्याल आता है कि अब बहुत हो गया, तो अब बहुत नहीं हुआ है, बहुत जिस दिन होगा, जिस दिन आपको जो चाहिए वो आप पालोगे, उस दिन रुकना, उससे पहले नहीं। जय हिंद, जय भारत।